हेलो फ्रेंड्स, सदना सुमन्स रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज कोळीवाडा मसाला। महाराष्ट्र में ये फेमस डिश है, ये नॉनवेज में भी मिलता है, लेकिन आज हम बनाते हैं वेज कोळीवाडा मसाला। जैसे कि पनीर कोळीवाडा मसाला भी मिलता है और चना कोळीवाडा मसाला भी मिलता है, वैसे ही रेस्टोरेंट स्टाइल वेज कोळीवाडा मसाला। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं मजेदार सी रेसिपी। वेज कोळीवाडा के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कोफ्ते। तो कोफ्तों में कौन कौन सी सब्जियां यूज करते हैं वो देखते हैं। बारीक कटा हुआ गोभी, बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो उबले हुए आलू और 40 ग्राम पनीर। तो सबसे पहले आलू को कद्दूकस करेंगे अब कद्दूकस करेंगे पनीर। पनीर को कद्दूकस कर लिया है, अब उसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई सब्जियां, फ्रेंच बीन्स, इसमें ज्यादातर फ्रेंच बीन्स डाला जाता है, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ गोभी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, क्रश किया हुआ अदरक और एक हरी मिर्च, दोनों को साथ में क्रश कर लिया था। अब उसमें ऐड करेंगे हींग, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही कलरफुल सब्जियां है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। बेसन, चार चम्मच बेसन लिया है और दो चम्मच मैदा लेंगे। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, हाथ से ही मिक्स करेंगे। थोड़ा तेल डालेंगे, इसमें हमें पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है, हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और उसके कोफ्ते बना लेते हैं। आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत कम क्वांटिटी में मसाले डाले हैं। कोफ्तों के लिए डो तैयार है, फटाफट से कोफ्ते बनाते हैं। इस तरह से लंबाई के शेप में बनाएंगे। हाथों में तेल लगा लिया था, इस तरह से बाकी के कोफ्ते बनाएंगे। आप चाहे तो इसे राउंड शेप में भी बना सकते हैं या टिक्की के जैसे। हमारे सभी कोफ्ते तैयार है, अब हम इसे तल लेंगे। हमने कोफ्तों के लिए चार बड़े चम्मच बेसन और दो चम्मच मैदा लिया है। तेल गरम हो चुका है, अब उसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। तेल ज्यादा गरम भी नहीं चाहिए, नहीं तो कोफ्ते बाहर से तल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। कोफ्तों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे तल लेना है। कोफ्तों को बीच बीच में पलट देना है।
कोफ्तों का परफेक्ट कलर आया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बढ़िया कोफ्ते बने हैं। बाकी के कोफ्ते तल लेते हैं। वेज कोड़ी वाड़ा की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल डालेंगे। अब डालेंगे 1 इंच अदरक और 8 लहसुन की कलियां। 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब उसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, स्लाइस में कटे हुए, रफली चॉप है। साथ में डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में 6 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, 3 लौंग और 2 हरी इलायची और तेज पत्ता। इनको हल्का भून लेते हैं। हमें इसे कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है। प्याज को 1 से 2 मिनट तक भून लिया। अब उसमें ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्च, उसे तोड़ के लिया है। 2 साबुत लाल मिर्च है, 15 काजू, 2 रफली चॉप टोमेटो। टमाटर को जल्दी से सॉफ्ट होने के लिए नमक डालेंगे ऊपर से। और साथ में ही थोड़ा पानी डालेंगे। कवर कर देते हैं। सभी को अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। सभी को अच्छे से पका लिया है सॉफ्ट होने तक। प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें हमने जो खड़े मसाले यूज किए थे वो निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे भी ग्राइंड कर सकते हैं। खड़े मसालों का स्वाद इसमें आ चुका है, तो इसमें से खड़े मसाले निकाल लिए हैं। मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी इतनी स्मूथ है। फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब बनाते हैं वेज कोड़ीवाड़ा की ग्रेवी। तो उसके लिए मैंने पैन रखा है। पैन में डालेंगे बटर, साथ में ही थोड़ा तेल डालेंगे। बटर से इसकी टेस्ट बहुत बढ़िया आएगी। अब इसमें मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हींग, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। सभी मसाले हमने लो फ्लेम पे ही डाल दिए हैं। अब उसमें ऐड करेंगे ग्राइंड की हुई पेस्ट।
सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है। अगर आपने पहले ट्राई की है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होता है। अब उसमें ऐड करेंगे थोड़ा बारीक कटा हुआ गाजर, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगी। साथ में डालेंगे दो हरी मिर्च। सभी को तेल सूटने तक अच्छे से भून लेते हैं। इसमें मैंने ज्यादातर बटर यूज किया है, बटर से ही इसकी टेस्ट बहुत बढ़िया आएगी। सभी मसालों को तेल छूटने तक भून लिया। ऊपर से पनीर को कद्दूकस करेंगे। साथ में डालेंगे कसूरी मेथी और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। हमने पहले ही ग्रेवी बनाते वक्त नमक डाला था। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। वाह, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है। साथ में डालेंगे गरम पानी। पानी हम कंसिस्टेंसी देख के डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्मूथ टेक्सचर आया है। और थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसे बिना ढके ही 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। पर गर्मा गर्म वेज कोड़ेवाड़ा परोसने के लिए तैयार है। अब ग्रेवी में कोफ्ते डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बढ़िया सी ग्रेवी तैयार है। कलर, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी। कोफ्ते रखेंगे। ध्यान रहे, हमें जब कोफ्ते परोसने हैं, मतलब खाने के लिए लेना है, तभी कोफ्ते डालें। घर में मेहमान आए तो ये सब्जी आप जरूर बनाइए, उनको भी बहुत पसंद आएगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है। 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। हमारा गर्मा गर्म वेज कोड़ेवाड़ा मसाला तैयार है परोसने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए से। गैस की फ्लेम कर देते हैं ऑफ। वाह, बहुत ही बढ़िया। सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं।
हमारा गर्मा गर्म मजेदार सा वेज कोलवाड़ा मसाला तो तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।